तो अभी हम खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो भूख भी लग रही है और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, थक गए आज। बाबू के पैर में दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। नींद की वजह से जो है कि खाना भी खाने का इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन खाना भी ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, बातें करेंगे आपसे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब अच्छी होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और इस टाइम पे मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, आलू की भुजिया। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊँगी वीडियो में, तो आप बने रहिए। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया कढ़ाई में, और मैं अब इसमें डालना है जीरा। तो जीरा मेरे पास है नहीं, सॉरी। तो मैं अब डाल देती हूँ इसमें, क्या सूखी मिर्ची हो या हरी मिर्ची हो, आप दोनों डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाल दी है 2 सूखी मिर्ची, और उसके बाद मैं डालूंगी ये आलू। अब तो ये मैंने डाल दिया है आलू। अब इसमें कौन सा मसाला पड़ेगा, क्या क्या पड़ेगा, वो आपको मैं बताऊंगी अभी, आप वीडियो में बने रहिए। अब इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे करके इसको मिलाना है, ताकि इसका जो तेल है ये सब आलू में मिल जाए। अभी रोटी रोटी का कटोर दाना है, तो इसमें मैं ये पेपर बिछा दे रही हूँ, ताकि रोटी हमारी पसेजेगी नहीं, मतलब गीली नहीं होगी। तो मैं इसको ऐसे बिछा दूंगी, फिर इसके ऊपर रोटी रखूंगी अंदर, तो आपकी रोटी गीली नहीं होगी और सॉफ्ट और अच्छी बनी रहेगी। तो मैंने ये दोनों पेपर इसी में बिछा दे रही हूँ। और ये क्या कहते हैं, मटर है, कच्चे मटर। तो काफ़ी देर हो चुकी है, अब मैं इसको देखती हूँ इसका पानी कितना रह गया है, कैसे क्या। इसका पानी जो है कि सूख गया है, अब मुझे इसमें मसाला सभी डालना है। अब इसमें मुझे डालनी है हल्की सी नमक स्वाद के अनुसार। इसके बाद मुझे डालनी थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच हल्दी। फिर उसके बाद इसमें डालनी है हल्की सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर सॉरी, ज़्यादा नहीं, हल्की डालनी है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिला लेनी है। गैस हमें धीमे करनी है। अब इसे फिर से हमें ढक देनी है। तो मैंने रोटी बनाने लगी हूँ, और इस पे मेरी बन रही है आलू की भुजिया। तो अभी मैं देखती हूँ मेरी भुजिया कैसी बनी, चलिए देखते हैं कैसी बनी। वाओ, नहीं जला, देख सकते हैं जली नहीं है, क्योंकि अगर आप गैस तेज रखेंगे तो जल जाएगी, धीमी रखनी है हमेशा। तो आप देख सकते हैं कलर, वाओ। अब मेरी बन चुकी है भुजिया, चलिए गैस कम कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ। और इसे अब ये बन के हो गया रेडी तैयार। रोटी देख लेती हूँ तब तक, रोटी कैसी है। रोटी भी मतलब गोल गोल रोटी और आलू की भुजिया। यस, रोटी
तो दोस्तों अब इसका टेस्ट करते हैं कि इसकी टेस्ट कैसी है, देखते हैं। तो ये है रोटी। लीजिए आए भुजिया रोटी। तो ये है मेरा स्वादिष्ट खाना, भुजिया और रोटी। तो दोस्तों मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी तो आप बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ये आलू भुजिया रेसिपी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में खो जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है चावल थोड़ा सा, तो इसको मैं निकाल देती हूँ मैं अपने लिए खाने के लिए। तो दोस्तों थोड़े से कपड़े थे उसे मैंने क्या कहते सरफ में भिगा दी, और अभी नहीं धोऊंगी मैं क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा और काम करना है, दुकान का सामान तैयार करना है, तो उसी के लिए मैं अभी बाद में धोऊंगी, तब तक मैंने सरफ में डाल दिया, फूल जाएगा, उसके बाद साबुन लगा के धो दूंगी, और आज नहाना भी है। इतने सारे कपड़े रोज के धोती हूँ मैं, देख सकते हैं आप।